भाई ठंडी रोड का नाम इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ ठंड रहती है। जिन लोगों को राजभवन भी जाना होता है ना, तो यही है भाई, राजभवन आगे जाके यहाँ पर स्विमिंग करता था मैं, काफी समय हो चुका है। खैर हे गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो इस वक्त मैं हूँ मॉल रोड में, मॉल रोड के किसी बोट स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ। बड़ा ही बढ़िया अद्भुत मौसम हो रहा है इस वक्त। तो आज हम ऐसा करने वाले हैं, मॉल रोड बीच, मॉल रोड से तलीताल, फिर ठंडी सड़क जाएंगे, केक नाम की जगह है वहाँ तक, बड़ी गजब सी जगह है। सो लोकलाइट्स उस जगह को केक बोलते हैं, तो वहाँ तक जाएंगे, बाकी पूरी जगह एक्सप्लोर करते हुए चलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वक्त यहाँ से क्या ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है सामने, क्या है चाइना पिक, तो भाई बिल्कुल ही बादलों में खो चुका लग रहा है, चोटी दिख ही नहीं रही है सही से। मौसम आज भी खराब दिख रहा है, खैर बादल लगे हुए हैं, बारिश पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है जब तक हम सामने सामने ठंडी सड़क है ना, वहाँ तक पहुँचे, ऐसा हो सकता है बारिश पड़ जाए। लेट्स सी क्या रहेगा माहौल। आज के अगर टेम्परेचर की बात करें ना, फिलहाल इस वक्त हो रहा है 21 डिग्री के आसपास, और शाम को जा रहा है ये 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। ठंड नहीं है, अभी बता दूँ ठंड नहीं है। आप लोग टी शर्ट एंड शर्ट में भी मतलब आ सकते हो, बस छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक स्वेटर लेकर आ जाना, क्योंकि नैनीताल का अपना एक स्पेसिफिक मौसम रहता है। शाम को हल्की सी ठंड हो रही है, लेकिन बच्चों के लिए स्वेटर हाँ ला सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे लाइक 10 ईयर से नीचे जितने भी हैं ना, उनके लिए लेके आ जाना स्वेटर। ये ओपन जिम है खैर मॉल रोड में ही, तो है तो खैर एक्सरसाइज के लिए, लेकिन ये बच्चों के लिए इन्जॉयमेंट टाइप बन गया है। देखो ये फ्री के झूले, यही होता है भाई इस टाइप के ओपन जिम खोलने से। हाँ ये हो सकता है सुबह सुबह लोग आ रहे हों, ज़रूर एक्सरसाइज करते हों, लेकिन जितने भी दिन में पर्यटक आते हैं वो तो भाई मस्ती के लिए ही, ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चों के लिए एक तरीके के झूले ही हैं। खैर यहाँ पर ना खेल खेल में सेहत बनाई जा सकती है, बच्चों के लिए तो यही कहा जाएगा। बाकी क्या है, वो ओपन जिम था, अब हम आ चुके हैं कैनेडी पार्क में। वैसे ये पहले जब ओपन जिम नहीं खुला था तो पूरी एरिया को ही कैनेडी पार्क बोलते थे। ये वॉकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पार्क है। तो ये कैनेडी पार्क उधर दिख रहा है, लोअर मॉल रोड, ठीक उसके ऊपर अपर मॉल रोड। मैं जू वाली रोड के पास, ऊपर जो ये रेड वाली कार गई तो जू रोड वहाँ से ऊपर को जाती है। यहाँ से शटल भी लगती है जिसका 60 रुपये करीब किराया होता है पर पर्सन का, फिर जू में जाके 100 रुपये करीब पर पर्सन और पड़ता है। बच्चों के लिए जू फ्री है, अगर जू देखना है तो वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जू थोड़ा बड़ा भी है, बड़ा इन द सेंस कि पूरा एक पहाड़ कवर करना पड़ता है, लाइक जिन लोगों को वॉकिंग ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भाई थकान लग जाती है। जू अगर जाते हो तो वीडियो देख लेना, वैसे चेक कर लेना, उससे पूरा अंदाज़ा भी आ जाएगा जू के बारे में। यार एक चीज़ दिक्कत यह है कि अगर बारिश पड़ गई तो मैं लिटरली भीग जाऊँगा, क्योंकि छाता लाया नहीं हूँ और मौसम हल्के हल्के और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चलो देखी जाएगी जो होगा। वैसे अगर शहर में टूरिज़्म की बात करें तो भाई टूरिस्ट काफ़ी हैं शहर में, भीड़ बहुत है, और पूरा मल्लीताल वाला एरिया जो है ना भाई, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। मैं फ़िलहाल अभी तलीताल वाले एरिए में पहुँच चुका हूँ, सामने एक और चर्च दिख रहा है, ये कैथलिक चर्च है। केक वाला जो एरिया है वहाँ तक जा तो रहे, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी ही अच्छी चीज़ और दिखाऊंगा, जहाँ पर मैं पहले स्विमिंग करा करता था, लाइक नैनीताल में भी स्विमिंग सिखाई जाती है इसी लेक में, तो जब हम छोटे थे तो वहीं जाते थे स्विमिंग सीखने। हाँ मुझे स्विमिंग आती है, तो स्विमिंग आनी भी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना 3-4 चीज़ें आनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, कार ड्राइव आनी चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए, तो 3-4 चीज़ें मैंने तल्लीनता से सीखी हुई हैं, अच्छी बात है। हम कैनेडी रोड के डेड एंड में पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे जाके कैनेडी रोड ख़त्म हो जाती है। ये दो छोटे से मकान बनाए गए हैं, रहने के लिए नहीं है किसी के, वैसे सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ था ना उसमें बने थे ये, एटलीस्ट उत्तराखंड की शैली जो है वो भी दिखा रहा है, जो पाथर शैली होती है ना, वैसे ये बनाए गए थे ना टोल प्लाजा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर को ना स्पेस थोड़ी कम है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा था, उसके वजह से फिर दोबारा से जहाँ पर मेन टोल प्लाजा है ना वहीं पर को शिफ्ट कर दिया गया है, अभी आगे जाके दिख भी जाएगा। मेरे पीछे ये टोल प्लाजा है, अगर 4-व्हीलर लेकर आते हो तो 110 रुपये करीब देने पड़ते हैं नैनीताल, मतलब एक तरीके से ये है लेक क्रॉसिंग ब्रिज के नाम से, मतलब लिया जाता है वो शुल्क शहर के अंदर एंट्री ये, और यही टोल प्लाजा पहले पीछे हुआ करता था, कि अब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है ना, इस चक्कर में इन्होंने दोबारा से रीशिफ्ट कर लिया जहाँ पर पहले था। ये तलीताल डाट नाम के पास जो एरिया है वहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर को भी बस स्टैंड दोबारा से बन रहा है, बड़ा ही सुंदर सा बनेगा, होप उत्तराखंड की शैली में ये भी बस स्टैंड बने। और बाकी क्या है कि ये हल्द्वानी वाली रोड आगे को, ये भवाली वाली रोड, बाकी यहाँ पर लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं। नैनीताल में ना दो रीफिलिंग स्टेशन है पेट्रोल, एक तो ठीक मेरे पीछे ही तलीताल में, एक मल्लीताल में जो सूखाताल वाले एरिया में, अगर लाइक कार आर लाते हो तो पेट्रोल भराना है तो पहले तलीताल डाट, उसके बाद क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली रोड की तरफ चले जाना, तो उसी रोड पे मैं आगे जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर ये पीछे ही पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मिल जाएगा। खैर ये शहर भी अलग अलग एंगल से इतना सुंदर लगता है ना, सामने रहा हमें ठंडी सड़क, उधर को जाना है और इधर का लाल मकान दिख रहा है ना उस तरफ, वहाँ पर कुछ स्विमिंग होती थी भाई, अभी हमें लंबा सफ़र तय करना है और ठंडी सड़क में केक तक जाना है। जिन लोगों को राजभवन भी जाना होता है ना, तो यही है भाई, राजभवन आगे जाके इसी रोड से ऊपर को जाना है, लेकिन हम राजभवन नहीं जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर कोई पार्किंग है छोटी सी, और वैसे भी ये वन वे है। ऊपर के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और राजभवन भी है यहाँ से ऊपर को जाके, तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आ गए भाई, यहाँ पर स्विमिंग करता था मैं, काफ़ी समय हो चुका है। खैर ये बहुत ही बढ़िया एरिया है। खैर यहाँ से सामने तक, मतलब इस तरीके से तो क्रॉस करी है वो सामने, मतलब वो वहाँ तक ऐसे ऐसे लेक क्रॉस करी है स्विमिंग करते करते। फ़िलहाल क्या है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। ये है कि सुबह सुबह भाई 6 बजे आना पड़ता है, वो भी गर्मियों में होती है बस स्विमिंग, उस ठंड में कहाँ होगी। यहाँ तो ठंडे इतने भयानक होते हैं ना, गर्मी भी यहाँ ठंडे जैसी होती है। इस एरिया से ना बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं यार। अब तो खैर काफ़ी समय हो चुका है, मतलब 10 साल हो चुके हैं स्विमिंग छोड़े हुए। कभी कदाच मौका मिलता है तो बस कूद पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं आता यार। बड़ा ही मतलब अब छूट गई है स्विमिंग, कभी कभी छूट जाती है तो छूट जाती है, बट हाँ आती है। मैंने क्लास 5th से क्लास 12th तक तल्लीनता से स्विमिंग करी है, लिटरली तल्लीनता से। फिर उसके बाद छूट गई तो छूट गई, खैर कोई बात नहीं। पीछे देखो ये डाइविंग बोर्ड भी है, ये हाँ तब का है, लेकिन अब तो थोड़ा बहुत दोबारा से लग गया है। अभी क्या है कि पानी थोड़ा कम भी है, नहीं तो पता लेक का लेवल ना यहाँ तक आ जाता है वैसे, तो तब और मज़े आते हैं। क्लास 12 भी मतलब लास्ट क्या, अगर कंटिन्यूस बताऊँ तो मैंने क्लास 5th से लेकर क्लास 9th तक बस, उसके बाद छूट गई थी स्विमिंग, फिर भी करी। आगे हम ठंडी रोड, भाई ठंडी रोड का नाम इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ ठंड रहती है, तो ठंड लगी रही है। तो एक चीज़ दिखा रहा था मैं, अब तो बड़ी गजब गजब चीज़ दिखेंगी। ये जो है ये पत्थर, ये अपने आप में सिंहासन जैसा नहीं लगता है? तो अभी मैं इस पर बैठ के बताता हूँ कैसे सिंहासन लगेगा। ये इसकी कुर्सी है और ये ऐसे पूरा है, अभी देखते हैं। इस सिंहासन में चढ़ना पड़ेगा, चढ़ा अभी, यहीं पर कोई रास्ता भी है चढ़ने का। 1 2 भाई फिसल गए तो बैठ गए हम सिंहासन पर। ये अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो बढ़िया लग रहा है ना ये सिंहासन। चलो अब आगे चलते हैं, केक तक जाने वैसे। तो ये रहा हमारा केक वाला एरिया। तो यहाँ पर तो भाई कुत्तों की जमात दिख रही है भाई, पूरी डॉग्स ही डॉग्स हैं यार, बहुत सारे केक पर बैठे हुए हैं कुत्ते। एक भी नहीं भाई, दर्जनों, अगर इन्हों गिनने बैठो तो। यहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाप रे बहुत ज़्यादा है यार, ये तो आज पूरा कब्जाए हुए बैठे हैं केक वाले एरिया का। केक पर बैठने का मन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर कुत्तों ने आज भाई जमा बड़ा बैठा रखा है, उनकी पूरी गैंग बैठी हुई है। मतलब मैंने अभी पीछे साइड से भी गिने ना भाई, वो 15-16 कुत्ते हैं, और वहाँ जाओ तो गुर्रा दे रहे हो। तो वहाँ तो भाई अगर किसी एक ने भी पकड़ लिया ना, गली हेलो करने आ गया, वो सही में गले मिल जाएगा। उससे अच्छा उस जगह से हट ही गया मैं, अब सीधे आप ठंडी सड़क से वापस चल रहे हैं। आज मेरा भाई बहुत लंबा वॉक हो गया है, 4-5 किलोमीटर का, पूरा ही लेक राउंड हो चुका है। अब मैं थक चुका हूँ लिटरली, कहाँ अभी वहाँ से शुरू कर रहा था ऐसे घूम के, अब ठंडी सड़क पैदल ही पैदल अब वापस जा रहा हूँ। बाकी मौसम अब खुल गया है, देखो बादल ऊपर ऊपर छड़ गए हैं, मुझे लग रहा था बारिश पड़ेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मौसम खुल गया। और देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यार। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, 2 सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टेरा पुशुम।